हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे को लैंडिंग का कॉन्सेप्ट और किस प्रकार के इश्यूज हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ये हमने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में ही कवर किया था, तो उसी का एक स्नीक पीक आपके लिए यहाँ पर रखा गया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि किस तरीके से हम प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में भी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की जो कि मैं आपको देना चाहूँगा। लाइव क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट की जा रही हैं, इकोनॉमी से ही हमने शुरुआत की, बट दैट डज नॉट मीन आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हो। आपको रिकॉर्डेड एक्सेस पूरा मिलेगा ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, करंट अफेयर्स की भी कवरेज है, क्योंकि ये जो को लैंडिंग का कॉन्सेप्ट है ये हमने करंट अफेयर्स में ही कवर किया कि भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा SBI को कि कोई कमेटी बनाई जाए और इससे रिलेटेड थोड़े जो इश्यूज चल रहे हैं को लैंडिंग से रिलेटेड, इनको रिजॉल्व करने के ऊपर काम किया जाए, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द करंट अफेयर्स, हमने ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन जो है बैंकिंग का वो डिस्कस कर लिया है ना, जितना क्रिस्प फॉर्मेट में हो सके उस तरीके से किया है। और एक बहुत ही खास बात जो इस कोर्स की है वो है मेंटरशिप। यहाँ पर आपको फैकल्टी द्वारा डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, आप अपने सेशन शेड्यूल कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट रहे चाहे वो अकेडमिक है स्ट्रेटेजिक है, आप बिल्कुल फैकल्टी को अप्रोच कर सकते हैं। वैल्यूडेशन के तौर पर FLTs का भी एक्सेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है, एंड स्पेशल क्लासेस भी यहाँ पर रहेंगी बजट और इको सर्वे जैसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की, जो कि नेक्स्ट ईयर हम डेफिनेटली कंडक्ट करेंगे। तो चेकआउट कीजिए हमारे इस कोर्स को, एनरोल कीजिए एंड 2025 के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए, राइट। चलिए तो समझते हैं इस पर्टिकुलर को लैंडिंग के कॉन्सेप्ट को, इजी टू अंडरस्टैंड है, 5 से 7 मिनट में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी और किस प्रकार के इश्यूज इसके साथ अटैच्ड है, क्योंकि ऐसे हम देखते हैं स्टेटमेंट्स रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस में पूछ ले जाते हैं। तो ये देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। को लैंडिंग कहा किसे जाता है, राइट। को लैंडिंग मतलब कि मिलके यहां पर लैंडिंग करना, यही मतलब हुआ ना कि दो या दो से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक साथ आके एक लोन यहां पर प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, वही हुआ को लैंडिंग करना, राइट। तो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ कंसर्न्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे रिलेटेड यहां पर कहा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा SBI को कि भैया थोड़ी कमेटी बनाओ और देखो कैसे इन को लैंडिंग के इश्यूज को हम यहां पर अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं और कैसे को लैंडिंग को और ज्यादा यूज कर सकते हैं क्रेडिट ग्रोथ में, राइट। तो को लैंडिंग या फिर को ओरिजिनेशन इज अ कोलैबोरेटिव लैंडिंग अरेंजमेंट, जहां पर मल्टीपल लेंडर्स एक्सटेंड करते हैं लोन्स बिजनेस एंटिटीज को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर और जो कि स्टेटमेंट के तौर से भी पूछा जा सकता है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अलाउ किया गया है बैंक्स को कि वो को लैंड कर सकते हैं लोन्स अलोंग विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, राइट। तो अब ये NBFCs के साथ को लैंडिंग के टर्म्स क्यों रखे गए होंगे, सोचने वाली बात है कि यहां पर बैंक्स के पास क्या ऑलरेडी बिजनेस इतना नहीं है कि वो इतने लोन्स तो जनरेट कर ही रहे हैं, तो NBFCs के साथ उनको मिलीभगत करने की क्या आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि NBFCs के पास अपने डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए अपने जो रीच प्रोग्राम्स, उनकी कस्टमर एक्विजिशन की जो प्रोसेस है जो कि ज्यादा एफिशिएंट देखने को मिलती है, उसको यूज करते हुए अंडर सर्व्ड और जो अनसर्व्ड कैटेगरीज या सेक्शंस है हमारी इकोनॉमी के, वहां पर फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ाया जा सके। तो यहां पर एक तरीके से NBFCs की जो एक्सपर्टीज है कस्टमर एक्विजिशन में एंड जो आपके बैंक्स हैं उनका जो इतना बड़ा कैपिटल बेस है या जो उनके पास इतना ज्यादा डिपॉजिट्स की मात्रा है एंड जो पैसे की अवेलेबिलिटी है टू बी प्रिसाइज, उसको यूज किया गया, उन दोनों चीजों को कंबाइन किया गया ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू दीज पर्टिकुलर सेक्शन, अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शन को बढ़ाई जा सके। क्लियर है सभी को, राइट। तो इसी केस में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके इंडिविजुअल लेंडर्स हैं, कि भैया किसी पर्टिकुलर लेंडर की अगर हम बात करते हैं तो रिस्क भी वहां पर फिर कम देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो उस केस में अगर जो भी दो एंटिटीज के बीच में को लेंडिंग होगी ना, तो आपस में पहले पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर वो स्पेसिफाई करके रखेंगे कि भैया किस प्रकार से लोन्स यहां पर देने हैं, कितना कितना हमारा शेयर होगा, किस किस प्रकार से यहां पर हमारे द्वारा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, कितना रिस्क हम यहां पर बियर करेंगे। तो आपस में दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर सेट की जाएगी, राइट। तो यही को लैंडिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है रियल एस्टेट में, स्मॉल बिजनेस लोन्स में, पर्सनल लोन्स में, इन सभी कैटेगरीज में यहां पर यूज किए जाते हैं। बट फिर भी हम ये देख पा रहे हैं कि उतनी को लैंडिंग नहीं बढ़ती हुई देखने को मिल रही। अपार्ट फ्रॉम दैट, RBI ने तो ये भी कहा है कि यदि बैंक्स को अपने PSL लोन्स की ऑब्लिगेशन को पूरा करना है तो उस केस में भी वो NBFCs के साथ को लैंडिंग कर सकते हैं, राइट। तो टूल तो अच्छा एक तरीके का है ना, कि भैया बैंक्स का कैपिटल एंड NBFCs की रीच, इन दोनों का यूज किया जाए तो डेफिनेटली फ्लो ऑफ क्रेडिट जो हमारे इन पर्टिकुलर सेक्शंस की जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकते हैं एंड कहीं ना कहीं एक ही एंटिटी पे सारा प्रेशर भी नहीं आएगा। तो यहां पर क्या बोला गया अंडर द गाइडलाइंस कि जो 80% ऑफ द मनी है ना, जो 80% ऑफ द मनी है वो बैंक यहां पर देगा, 20% यहां पर NBFCs देंगे और उसी प्रकार से रिस्क शेयरिंग पैटर्न भी यहां पर यही रहेगा।
क्लियर है। तो यहां पर डिफाइंड रोल्स हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपके एनबीएफसीज हैं, इट इज दैट पार्टी जो कि सोर्सिंग करती है, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन, इन सभी चीजों के ऊपर यहां पर काम करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंक का यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग द चीफ फंड्स, है ना, कि भैया उस प्रकार से क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना एंड बेटर से बेटर कस्टमर्स को यहां पर लेके आना। तो कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर को कहीं ना कहीं से एक्वायर करना, ये एनबीएफसी की एक मेजर खास बात यहां पर देखी जाती है। एंड बैंक के पास उस प्रकार के चीफ फंड्स की अवेलेबिलिटी है तो वो प्रोवाइड करने में यहां पर बैंक्स हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से रोल्स भी आपस में डिफाइन किए गए। बट द पॉइंट बीइंग कि ये कमेटी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये कमेटी बनाने की बात की जा रही है। तो पहली बात, स्लो डिमांड है फॉर द को-लेंडिंग लोन्स इन द मार्केट की, बहुत ही कम डिमांड देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंक्स भी यहां पर हेजिटेट कर रहे हैं इस को-लेंडिंग स्पेस में एंटर करने से, बैंक्स भी यहां पर हेजिटेट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हम खुद ही यहां पर लोन एक्सटेंड कर देंगे, क्यों किसी के साथ यहां पर काम करना, हम खुद ही यहां पर अकेले शेयर बनते हैं, खुद का यहां पर काम कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब सिंस एनबीएफसीज के पास डिपॉजिट टेकिंग फैसिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं है, कुछ एनबीएफसीज हैं जो कि डिपॉजिट ले सकते हैं, बाकी तो नहीं ले सकते, है कि नहीं, तो उनके द्वारा फिर हाई लेंडिंग रेट्स यहां पर चार्ज किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे सेक्शंस को सर्व तो कर पाते हैं, राइट, बट जो उनके लोन प्रोडक्ट्स हैं, जो क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं, उन पर इंटरेस्ट रेट फिर ज्यादा देखने को मिलता है, अगेन विच इज अ मेजर कंसर्न, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो हम क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं खासकर इन सेक्शंस के लिए, वो नहीं हो पाती, एंड डिफॉल्ट के चांसेस फिर बढ़ते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट यहां पर रखा गया कि एनबीएफसी का कंप्लायंस, राइट, विद द रेगुलेटरी नॉर्म्स रिगार्डिंग द गोल्ड लेंडिंग ऑल्सो, कि यहाँ पर गोल्ड लेंडिंग के कंटेक्स में भी यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स रखे गए, राइट, कि भैया जो गोल्ड लेंडिंग यहाँ पर, गोल्ड गिरवी रखते हुए जो लेंडिंग यहाँ पर की जा रही है वो बहुत अग्रेसिव तरीके से की जा रही है, तो उसको भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की यहाँ पर आवश्यकता है। उसके अलावा ये भी देखा गया कि इंटीग्रेशन उतनी अच्छी नहीं है, आईटी इंटीग्रेशन जो हमारी सिस्टम्स की वो उतनी अच्छी नहीं है, राइट, अंडरराइटिंग के जो प्रोसीजर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उन पर अच्छे तरीके से काम नहीं किया जा रहा। तो ये कुछ कुछ कंसर्न्स थे जिनकी वजह से कमेटी बनाने की बात रखी गई, राइट। तो अब हो सकता है सवाल उस तरीके स्टेटमेंट के तौर पर आ जाए, एसर्शन जो आपके रीजन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वहां पर सवाल पूछ लिया जाए, है ना, वहां पर ऐसी स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलती है ना जो थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा ब्रेनर देती है ना, थोड़ा टीजर सा क्रिएट करती है कि हाँ जी कैसे इस चीज को यहां पर सॉल्व करना है। तो ऐसे पॉइंट्स भी यहां पर हमें ध्यान में रखने कि अच्छा, को-लेंडिंग का अगर फंडा क्रिएट किया गया है ताकि क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सके और फिर भी नहीं बढ़ रही, तो उसके क्या कारण है जिनकी वजह से ये हो रहा है। क्लियर?